हिंदुस्तान की आईपी बढ़ने की संभावना है, श्रीलंका में चाय और कॉफी एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, कनाडा की जीडीपी कम होने की संभावना है, इटली की करेंसी के बढ़ने की संभावना है, न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, अगर आज के बाजार की बात करते हैं तो कनाडा की जीडीपी कम होने की संभावना है, इटली की करेंसी को लेकर भी अपडेट है कि उसके भी बढ़ने की संभावना है। तो आज मार्केट को लेकर ये बड़ा अपडेट है, हिंदुस्तान की आय भी बढ़ने की संभावना है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जब हम लगातार हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अभी हम देखें अखबारों में अगर रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो रिपोर्ट्स के लिहाज से भी देखा जाए तो शेयर बाजार में एक बड़ी बढ़त हुई है, सोने के रेट्स में एक बड़ा इजाफा लगातार हो रहा है। और बात सबसे पहले आकाश जिंदल जी के साथ में हिंदुस्तान की आईपी बढ़ने को लेकर करेंगे। आकाश जी, आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं और आपके प्रेडिक्शंस ज़्यादातर एकदम सटीक भी बैठे हैं। अब भारत की आईपी की बात हो रही है, इससे कितना बड़ा बदलाव मानकर चलें बाजार में? बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, मेरे काफी प्रेडिक्शंस किए हैं और मेरे काफी प्रेडिक्शंस सही भी रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान की आईपी क्लियरली बढ़ने की संभावना दिख रही है क्योंकि हिंदुस्तान में बाइंग और कंजम्पशन बूम पे है। हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ है कंजम्पशन की, वो प्ले आउट कर रही है। मार्च के महीने की देखें, बहुत अच्छी कंजम्पशन हुई है। जीएसटी कलेक्शंस जहां तक करें, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर आप देखें जीडीपी ग्रोथ, ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास है फर्स्ट अक्टूबर टू 31st December 8.4% जीडीपी ग्रोथ, पूरे साल की एक्सपेक्टेड में 7.6% जीडीपी ग्रोथ। ये जो 8.6 है ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, ये ऑलरेडी अचीव है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का क्लियरली मानना है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी आने वाले सालों में भी बाकी इकॉनमीज को आउटपरफॉर्म करती रहेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चाइना के मुकाबले हिंदुस्तान में काफी आने की संभावना अब दिख रही है। जिस तरीके से चाइना को लेके एवर्शन है और हिंदुस्तान को लेके आज एक पॉजिटिविटी का माहौल बन रहा है। देखिए किस तरीके के इवन सेमीकंडक्टर चिप्स तक हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होने की बात आगे बढ़ी है और काफी अच्छी संभावना होती जा रही है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान जो प्राइमरीली एक सर्विसेज के तौर पर जाने वाली कंट्री थी, अब मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर जानी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी पावर हिंदुस्तान बनने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट था, बीइंग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, वो कहीं ना कहीं आम हिंदुस्तानी की पर कैपिटा इनकम को भी प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ ओवरऑल हिंदुस्तान में खुशहाली आ रही है। आम आदमी जो है हिंदुस्तान में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जा रही है, जो कि कई इंडिकेटर से दिख रहा है। तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी चमक रही है, तरक्की हो रही है, ग्रोथ क्लियरली विजिबल है डेटा में, नंबर्स में, और साथ ही साथ अल्टीमेटली ग्रोथ कहां रिफ्लेक्ट करती है, अल्टीमेटली ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है बाइंग और कंजम्पशन में, जो क्लियरली कैटेगरिकली आज की तारीख में दिख रहा है कि हमारी बाइंग और कंजम्पशन बहुत अच्छी बनती जा रही है। और अब हिंदुस्तान आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं, आने वाले दो से तीन साल में मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी पावर के रूप में उभरेगा। चाइना जो एक जमाने में एडवांटेज ले गया था, वो जी अब हिंदुस्तान जो है उस पे आगे बढ़ेगा, उस इन्वेस्टिंग के रास्ते पे आगे बढ़ेगा और काफी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आकाश जी, ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाहिर तौर पर रहने वाली जानकारी।